हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत ऋषय। मैं हूँ शुभम और आज हम इसमें बात करने वाले हैं रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट के बारे में, जहाँ पर पोस्ट निकला गया है आपका IIM इन लखनऊ के द्वारा। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, जो UP में स्थित है। तो इसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताता हूँ आपको, और इसको बताया जा रहा है एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगा 11 महीने के लिए, लेकिन बोला जाता है कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, लेकिन रख लिया जाता है परमानेंट के लिए। ऐसा हर एक फील्ड्स में होता है, तो इसमें भी क्या होगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल के बाद देखा जाता है क्या कुछ होता है। तो आप यहाँ से देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं, एनर्जी सिस्टम्स मॉडलिंग, एक्सेल और आर लैंग्वेज पाइथन, ऐसा कुछ आप होना चाहिए। एक्सेल आर लैंग्वेज आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, लिटरेचर रिव्यू, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में यह बताया जा रहा है आपको डिमांड होना चाहिए। MS एक्सेल में कमेंट होना चाहिए, मतलब अच्छा आना चाहिए, और इंग्लिश में भी, और कम्युनिकेशन मतलब किसी से करते हैं तो भी, और साथ ही साथ सूटेबल होना चाहिए आपका इस जो जॉब है इसके साथ, और हु आर प्लानिंग टू परस्यू PhD प्रोग्राम कमिंग ईयर्स। और यहाँ सब देख सकते हैं रिसर्च एसोसिएट एंड असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना है आपको, या पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टैटिक्स मैथमेटिक्स एंड अदर साइंस स्ट्रीम, एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन एमिशंस रिलेटेड एक्सपीरियंस विद नॉलेज, मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए आपको ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में। आपको सैलरी यहाँ से बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए आप मेल कर सकते हैं, आपका जो भी रिज्यूमे है थ्रू द ईमेल आप सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, इसको अप्लाई कर सकते हैं 5 तारीख तक, तो 5 नहीं सॉरी आप 13 अगस्त तक कर सकते हैं 5 बजे तक। तो मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, मैं अप्लाई करके प्रोसेस बताता हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए अपना नाम डालिएगा, उसके बाद अपना एज 30 जुलाई से हिसाब से जो होता है उसको देख के आप यहाँ से डाल दीजिएगा कैलकुलेशंस करके, और करंट क्या कुछ कर रहे हैं आप, ग्रेजुएट कॉलेज कहाँ से किए थे, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कहाँ से किए थे, और ग्रेजुएट में मार्क्स क्या था, पोस्ट ग्रेजुएट में क्या था, एक 10th में 12th में, और टेल अबाउट द एक्सपीरियंस, एनर्जी क्लाइमेट चेंज ट्रांसपोर्ट एरियाज कोर्स अंडरटेकन द प्रोजेक्ट, और एक्सपीरियंस बता सकते हैं, और एरिया आप कौन सा रेसिडेंस है करंटली में है, आप कहाँ पर रहते हैं, यहाँ से अपना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं कुछ जर्नल्स पे तो आप यहाँ से मतलब अटैच कर सकते हैं, योर ईमेल एड्रेस, योर कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ से रिज्यूमे आपका, उसके बाद अपना टेक्निकल स्किल्स, एक्सेल पाइथन साटा क्या कुछ आता है यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको अगर मैंडेटरी नहीं किया गया है तो रिज्यूमे पहले मेल कीजिए उन लोगों को, उसके बाद इसको फिलअप कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।